यह कामूव के A-31, इसे नेटो नाम हेलिक से भी जाना जाता है। ये एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर है जिसे सोवियत यूनियन के टाइम पे डेवलप किया गया और आज के टाइम पे इसे इंडिया, रशिया, चाइना के द्वारा नेवल एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल रोल की तरह यूज किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि अर्ली वार्निंग सिग्नल देकर किसी भी एयरक्राफ्ट, शिप, व्हीकल, मिसाइल और किसी भी तरह के रडार सिस्टम को डिटेक्ट करके अर्ली वार्निंग का काम करता है जिससे काउंटर अटैक किए जा सकते हैं। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1987 में थी और इसे 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया और 1985 से प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसका टोटल वेट 12,500 किलोग्राम और इसमें पावर प्लांट का काम करते हैं। दो इसोटोप TV317 VMA टर्बोशाफ्ट इंजन जिसकी मदद से 250 किलोमीटर पर आर की मैक्सिमम स्पीड और 205 किलोमीटर पर आर की क्रूज स्पीड पे उड़ सकता है और 600 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी घूम सकता है। और इसी के साथ साथ 2 घंटे 30 मिनट तक ऑन स्टेशन लॉयटर में 11,483 फीट तक उड़ सकता है। और इंडिया ने ऐसे 10 हेलीकॉप्टर 520 मिलियन की लागत से खरीदे हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।